हेलो फ्रेंड, मेरा नाम दिनेश और आप देख रहे डीएफ टेक्निकल। तो गाइस 22 नवंबर जो कि जा लाइफस्टाइल ने एक डेट दिया है 22 नवंबर को, जो कि खुद जा लाइफस्टाइल ने अपने न्यूज़लेटर में बताया है कि हम सोमवार 22 नवंबर को कुछ बड़ा धमाका करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को देंगे जिससे आप लोग खुश हो जाइएगा। तो सभी को आप इंतज़ार है फ्रेंड 22 नवंबर को, और 22 नवंबर को लेकर कुछ अपडेट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो लोगों का भी सवाल आ रहा निकल कर। तो फाइव सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों का ये मैसेज है कि सर 22 नवंबर को जो कंपनी ने डेट दिया है वो बहुत मीटिंग में सुने हैं या फिर इधर उधर से भी सुन रहे हैं कि हमें 22 नवंबर के बाद रियल एड जो है सो 22:30 मान के चलिए तो रियल एड स्टार्ट हो जाएगा। क्या ये सच है? ऐसा कंपनी ने कहीं भी नहीं बोला है कि 22 नवंबर के बाद रियल एड स्टार्ट हो जाएगा या फिर क्या होगा। दूसरे लोगों का सवाल ये है कि सर 22 नवंबर के बाद क्या डेबिट कार्ड जो कंपनी ने बताया है कि डेबिट कार्ड मिल जाएगा? तो भाई कंपनी ने बताया है कि 22 नवंबर को हम अपडेट देंगे जो कि बहुत बड़ा अपडेट होगा। वो अपडेट न्यूज़लेटर में आएगा और न्यूज़लेटर में डेबिट कार्ड हो या फिर रियल एड हो ये सब जिक्र होगा, तो हमें न्यूज़लेटर आएगा तब हमें मालूम चलेगा। लेकिन मैं आप लोगों को इतना बता दूं फ्रेंड कि यह जो है सो न्यूज़लेटर लाया है उसमें नेक्स्ट बटन जो दिया है ये बहुत सारे लोगों का ये अच्छा लगा है, क्योंकि सर सवाल आया है और कि जो नेक्स्ट बटन आया है यहाँ पर वो एक तरह से अच्छा हुआ है, जो कि बहुत सारे लोग रियल एड स्टार्ट कर छोड़ देंगे, उसके बाद उसे इनकम होगा और एड नहीं देखेगा। ऐसा अब नहीं होगा, उसे नेक्स्ट बटन दबाना होगा, उसके बाद उसको नेक्स्ट एड आएगा। तो ये बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा है कि अब यह जो है सो पूरा तैयारी रियल एड के लिए कर लिया है और बहुत जल्द रियल एड अब स्टार्ट होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूँ फ्रेंड कि जा लाइफस्टाइल करीब 2 साल लगभग हो चुका है जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है और किसी को एक रुपया भी नहीं दिया है। लेकिन अब बहुत सारे लोगों का सवाल है कि अब वो टाइम नज़दीक आ चुका है और अगर एक बार रियल एड स्टार्ट हो जाए या फिर रियल प्रोग्राम जो है जा लाइफस्टाइल और रिहा का लॉन्च हो जाए तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने टीम बना कर रखे हैं, पैकेज खरीद कर रखे हैं, उसे बहुत बड़ा बड़ा इनकम होने वाला है। तो हमें लगता है कि हमें और इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि 22 नवंबर तक कंपनी ने डेट दिया है, खुद कंपनी ने डेट दिया है 22 नवंबर को। देख तो हम लोग 22 नवंबर को इंतज़ार करेंगे, देखते हैं 22 नवंबर को रियल एड आता है या फिर डेबिट कार्ड के बारे में कुछ कंपनी बताएगा। लेकिन जब तक न्यूज लेटर नहीं आएगा फ्रेंड उसमें कुछ भी अनुभव लगाना बेकार है, क्योंकि बहुत सारा डेट आया है और बहुत सारा डेट चले भी गया है। ये 22 नवंबर का जो डेट कंपनी ने दिया है हो सकता है कुछ खास हो, क्योंकि जा लाइफस्टाइल ने बहुत तेज़ी से वर्क करना स्टार्ट कर दिया है और बहुत सारे लोग इसमें डिमोटिवेट भी हुआ है। मान के चलें तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जा लाइफस्टाइल फेक कंपनी है, इसमें फंस कर कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोग जा लाइफस्टाइल छोड़ भी चुके हैं और छोड़ना भी चाह रहे हैं, ये सोचकर कंपनी को भी थोड़ा टेंशन ज़रूर होगा, क्योंकि इस पर जब लोग जा लाइफस्टाइल छोड़कर अगर दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर बहुत जो है सो जा लाइफस्टाइल का नाम ख़राब होगा और बहुत सारे लोग इस पर डिमोटिवेट भी होगा। इसलिए कंपनी अब बहुत जल्द रियल प्रोग्राम स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि कंपनी जब इतना दिन से चल रहा है तो हो सकता है कि उसका जो भी प्रोसेस होगा वो पूरा कर लिया होगा। इसलिए 22 नवंबर को कंपनी ने डेट दिया है कि 22 नवंबर को हम कुछ अपडेट देंगे जो कि बहुत अच्छा और खुशी का अपडेट होगा। तो हमें 22 नवंबर का अपडेट का इंतज़ार करना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि 22 नवंबर का अपडेट बहुत ही बड़ा अपडेट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।